क्वेश्चन 27 में दो वायर दे रखे हैं अपन को। इनके पास सेम मटेरियल है, जैसे मान लो इनका सेम मटेरियल है तो गामा, मतलब क्वेश्चन 27 में दो वायर्स हैं सेम मटेरियल, मतलब इलास्टिक कोफिशियंट सेम हो जाएगा, क्वेश्चन इलास्टिसिटी दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी सेम बोल दिया, मतलब वी भी कांस्टेंट कर देना है। पहले वायर की बात कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन ए है और सेकेंड वायर का 3A है, वॉल्यूम फिक्स होगा तो कुछ ऐसे देखेंगे, ये एक का क्रॉस सेक्शन ए, इसका 3A, तो ऑपोजिट फैक्टर से क्या हो जाएगा, ये एल के टर्म आ जाएंगे, राइट? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है एरिया इंटू लेंथ, ये कॉन्स्टेंट है तो दोनों क्या हो गए, रिवर्स में आ गए। फिर हो रहा है कि फर्स्ट वाले वायर को इन्होंने कितना इंक्रीज किया डेल्टा एल से, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डेल्टा एल, फोर्स लगाएगा ये F1 कह दो इसको, है ना, और फोर्स F से बड़ा है ये। फिर कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेम वायर बाय सेम अमाउंट, मतलब यहाँ पे भी डेल्टा एल ही चाहिए सामने वाले को, और लेट से फोर्स हो जाएगा F2, ठीक है, F और F' भी मान के पढ़ सकते हैं अपन। तो पहले अपन देखते हैं मॉडुलस क्या होता है, ये होता है F/A/ डेल्टा एल बाय एल, रीअरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा F×L/A.Δl, ये आ रहा अपना गामा। यहाँ से फोर्स में निकालना है आंसर, तो गामा आया, ए आया, डेल्टा एल आया, और नीचे भी एक एल का टर्म आ गया। अब क्योंकि वॉल्यूम का टर्म एरिया इंटू लेंथ होता है, तो इसके बाद अपन कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं, मैं एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ताकि ये वॉल्यूम बन जाए, और अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, ऊपर है गामा, नीचे आ गया वी, यहाँ हो गया ए का स्क्वायर, और ये हो गया डेल्टा एल, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये अब इन पे डिपेंड कर जाएगा, और ये डेल्टा एल का टर्म दोनों के लिए बच्चों क्या है, सेम। मीनिंग यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि एफ जो है वो ए के प्रपोर्शनल हो गया, ए के स्क्वायर के, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं सेकेंड टाइम वाला फोर्स डिवाइड बाय फर्स्ट टाइम वाला फोर्स, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से F'/F है, ये हो जाएगा इन दोनों का एरिया। सेकेंड वाले का एरिया है बच्चों 3A, इसका हो जाएगा ए, स्क्वायर लग जाएगा, आंसर आया 9। आप कह सकते हो एफ डैश आ रहा है अपना 9 times of F, और ऑप्शन नंबर 4 अपना सही जाएगा। हमें ये लाइन तो पता होती है जब भी हम इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, इससे एफ निकाला, एफ से अपन ने रिलेशन देखे कि किस पे बैठ रहा है ये, और सीधा आंसर मिल रहा है बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।